उत्तर बंगाल के उपसागर में कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होने से और आने वाले 24 घंटे में यह अधिक तीव्र होने की और आने वाले 4 से 5 दिन में यह पश्चिम की ओर रुख बदलने की संभावना है। इस वजह से आने वाले 4-5 दिन में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में जोरदार बारिश होने की संभावना हवामान खाते ने जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने के लिए महानगर पालिका ने मिशन ब्रेक द चेन मुहिम शुरू की है। अब तक 1,00,000 नागरिकों की टेस्ट की गई है। इसमें एंटीजन टेस्टिंग की संख्या ज्यादा है। शहर में 22 जगहों पर यह टेस्टिंग केंद्र शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। गणेश उत्सव के पार्श्वभूमि पर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य मंडल परिवहन के बसेस को अंतर जिला वाहतूक प्रवास को मान्यता दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में शुरू जोरदार बारिश की वजह से मुंबई को पानी पुरवठा करने वाले तालाबों में 85% जल सटा जमा हुआ है। इसलिए अब 21 अगस्त से मुंबई की पानी खपत 10% की जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। लॉकडाउन शुरू होने के बाद 5 महीने में नई मुंबई में 2,494 लोगों की मृत्यु हुई है। मार्च से 31 जुलाई तक 418 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है, तो 2076 लोगों की अन्य बीमारी और बुढ़ापे के कारण मृत्यु हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज़।